देश में चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए शासन प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के मद्देनजर मुस्लिम समाज के एक बड़े त्योहारों में शब ए बारात के दिन मुस्लिम कब्रिस्तान में अंधेरा और सन्नाटा पसरा रहा। आपको बता दें कि शब ए बारात मुस्लिम समाज का यह त्योहार जिसमें समाज के लोग अपने अपने मरहूमों को याद करते हैं और उनकी कब्र पर जाकर फूल पेश करते हैं, फिर उनके हक में और अपने मगफिरत की दुआएं करते हैं, इसलिए इस मगफिरत की रात भी कही जाती है। इस दिन मुस्लिम की कब्रिस्तानियों में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि भिलाई सहित पूरे देश में इस प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया है, कारण सिर्फ एक, कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण। भिलाई कैंप एक स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान जो कि नगर निगम भिलाई और नगर निगम रिसाली क्षेत्र का एकमात्र मुस्लिम कब्रिस्तान है। यहाँ की इंतजामिया कमेटी ने भी शहर के सभी मस्जिदों के सदरों की रजामंदी के साथ शब ए बारात के प्रोग्राम को रद्द कर दिया था और आवाम में गुजारिश की थी कि देश में चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोई भी शख्स कब्रिस्तान पर ना आए और घर पर ही रहकर इस त्योहार को मनाते हुए अपने महरूमों के हक में दुआएं करें। इसके एवज में कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी के द्वारा कब्रिस्तान में उपस्थित हर कब्र पर पहुंचकर फूल पेश किए गए और महरूमों के हक में दुआएं भी की गई। जहां एक तरफ कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने के लिए मुस्लिम कोम पर उंगलियां उठ रही हैं, वहीं भिलाई में इस कौम ने जागरूकता का एक मिसाल पेश की है और यह बता दिया है कि देश में आए विपत्ति के समय यह कौन भी अंधे से अंधा मिलाकर खड़ा है। इसके लिए कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी भिलाई के सदर शमशीर कुरैशी ने मुस्लिम समाज का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है, साथ ही पुलिस प्रशासन निगम प्रशासन का भी धन्यवाद किया है। भिलाई का यह मुस्लिम कब्रिस्तान भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के समय से ही काबिज है और लगभग 45 सालों से इस कब्रिस्तान में शब ए बारात का कार्यक्रम होता आ रहा है। यह इतिहास में पहली बार होगा कि इतनी बड़ी आपदा ने भारत में दस्तक दी, जिसके चलते जहां राम जन्मोत्सव समिति ने राम नवमी पर निकलने वाले श्री राम के विशाल शोभा यात्रा को स्थगित कर दिया था, तो वहीं आज मुस्लिम समाज ने भी अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए शब ए बारात के त्योहार को घर पर ही रहकर मनाने का फैसला किया। आज जरूरत है जाति धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर हमें अपने मुल्क अपने देश के बारे में सोचना होगा और शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों को मानते हुए कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने में अपनी महती भूमिका निभानी होगी। दुर्ग भिलाई से संवाददाता राजेंद्र गाड़े के साथ सुनील सोनी की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.